तो हे गाइस वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं अपना माइनक्राफ्ट, जहां पे फैल रखा है एक बहुत ज्यादा खतरनाक सा प्लेग, और वो प्लेग निकला है सामने वाली फैसिलिटी से। तो तुम लोगों को पिछले वाली वीडियो में याद हो तो हमारी बहुत ही ज्यादा पिटाई लगी थी, बहुत मारा था भाई, बहुत ही ज्यादा। पहले तो इन इन्फेक्टेड लोगों ने मुझे मारा, फिर उसके बाद नहीं भी हो रहा है कहने को भाई रेड हो गई, वो रेड में मुझे मारा भाई दबा दबा के। तुम लोगों ने देखा हो पिछली बार तुमने भागते हुए वीडियो एंड की थी, अगर तुमने वो वीडियो मिस करी है ना तो बताऊं तुमने बहुत ज्यादा चीज बहुत बनी चीज मिस करी है। मैं बस मैं बहुत ही ज्यादा गंदा पिला था, पर इस वाली वीडियो में हम उस गलती को इम्प्रूव करने वाले हैं। और भाई इस बार ना मैं नहीं मरने वाला, मैं मर मर के हो चुका हूँ थक, नहीं मैं मर मर के चुका हूँ थक, अब मैं मरूंगा नहीं। अब तुम लोग बोल रहे हो कि एक हफ्ते में स्किल इतनी कैसे इम्प्रूव होगी कि मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। पर मैंने एक नई चीज फाइंड करी है इस मॉड के अंदर कि भाई यहाँ पर ना जितने खतरनाक ये लोग हैं ना उतना ही खतरनाक ये लोग आर्मर ड्रॉप करते हैं, मतलब आर्मर नहीं आर्मर की चीजें ड्रॉप करते हैं। उन चीजों से हम एक आर्मर बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर ओपी आर्मर है, लिटरली इतना ज्यादा ओपी आर्मर है ना वो कोई मुझे मार ही नहीं सकता उसके बाद। और मुझे तुम लोगों को इस वर्ल्ड की अपडेट भी देनी है भाई, इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा चीजें चेंज हुई है, सच में बहुत ज्यादा चीजें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आप अपना गेम, एंड तुम लोगों को याद होगा कि वो चीज है जहाँ से वो लेक निकला है वो फैसिलिटी है, और वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो रखी है, और उस फैक्ट्री के थ्रू हर तरफ बाय एयर बाय ग्राउंड एंड बाय एनी अदर टाइप ऑफ मॉब भाई वायरस फैल रहा है, लिटरली बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रहा है। तुम लोग बोल रहे हो कैसे, दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। तुम्हें वो याद है पिछली बार वो विलेज था गाइज, वो विलेज इन्फेक्टेड हो चुका है, तुम लोग देख रहे हो साइड में वो वाइट वाइट निकल चुके हैं, वो इन्फेक्टेड हो गया है, और भाई यहाँ पे विलेजर डेड है, सारे विलेजर ने लोगों ने मार दिए हैं जहाँ तक मुझे याद है। मैं लास्ट टाइम इस विलेज में गया था और भाई वहाँ पे मुझे बस एक विलेजर स्पॉट हुआ था, बस एक, बाकी पता नहीं लोग कहाँ थे, भाग गए थे, क्या कर रहे थे, पर भाई वहाँ पे ना बहुत खतरनाक केओस मच रखा है, तुम लोग दिखाता हूँ मैं। और तुम लोग बोल रहे हो कि अगर विलेज वहाँ पर है तो मैं कहाँ पर हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने बना लिया है एक प्रॉपर सिक्योर प्लेस, तो अपना ये मैंने प्यारा सा हाउस बना रखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये हाउस क्यों जरूरी है, मैंने क्यों बनाया, पर से पहले मैं करता हूँ मॉर्निंग क्योंकि यहाँ पर रात हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक, हमारा दिन नया स्टार्ट हो चुका है और इस दिन हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। और तुम लोग बोल रहे होगे कि भाई ऐसा खतरनाक एरिया मैंने क्यों बनाया है, अब तक की जितनी भी जगह तुमने देखी है ना भाई उसमें सबसे ज्यादा सिक्योर ये जगह है, क्योंकि विलेज बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, चलने के लिए तो बिल्कुल नहीं है और रहना तो दूर की बात समझो विलेज में। यहाँ पर ना मैंने एक वाटर लिफ्ट लगा रखी है जिसको हम बंद एंड ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग इसे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, इससे पानी निकलेगा एंड देन उसके बाद हम लोग जा सकते हैं नीचे की तरफ आराम से। एंड यहाँ पे हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए मैंने एक अपना आयरन गोलम बांध रखा है, क्योंकि ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है इस मॉड के अंदर, लिटरली ये बंदा गॉड है, इसको इसको पूजो भाई, इसको बचा के रखो। और यहाँ पे मैंने अपना हॉर्स बना लिया था, पिछली बार मुझे रेड से सैडल मिल गया था, यहाँ पे अपना प्यारा से मैंने हॉर्स ही बना लिया है, इसको हम करते हैं फ्री। और इसी से तो मैं देने वाला हूँ विलेज का टूर, क्योंकि मैं पैदल नहीं जाऊंगा, और इसी को मैंने आर्मर क्यों नहीं पहन रखा है, ओ माय गॉड इतनी बड़ी मिस्टेक करता मैं भी। तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा पोटैटो फार्म है जहाँ पे हमारे पोटैटोस उगते हैं, क्योंकि खाने पीने का ना बंदोबस्त बहुत मुश्किल है। एंड यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे ये हमारी फैक्ट्री है जहाँ से प्लेग निकला है। हम लोग फटाफट से इसका टूर देता हूँ तुम लोगों को मैं, यहाँ पे इसके क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोग इसके ग्राउंड फ्लोर पे गए थे और भाई ग्राउंड फ्लोर पे हम लोगों को बहुत सारे म्यूटेटेड चीजें मिली थी, जैसे म्यूटेटेड फाइबर हो गया, मतलब म्यूटेटेड हार्ट भी अपने को मिला था। जो भी ये खतरनाक से मॉब ड्रॉप करते हैं वो बहुत सारी चीजें इसमें मुझे चेस्ट में मिली गई थी। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट, नहीं मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मुझे डैमेज किससे पड़ रहा है, एक सेकंड रुको, मार्कर, मेरे को मार्कर किसने लगाया, एक सेकंड भाई यहाँ पे कोई मुझे स्पॉट कर रहा है, इससे पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये क्या है, ये देखो ये चीज पहले थी यहाँ पर, नो वे भाई, ये ट्री सा है कुछ तो, पर यहाँ पे पहले था ही नहीं, ये अभी आया है। ओ और सी मज्जा भाई, खून छोड़ के मुझे मर जाऊंगा भाई, निकलो यहाँ से। तो भाई ये जगह बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक हो रखी है, और सच बताऊं यहाँ पे मैं सरवाइव करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो मुझे एक अच्छा आर्मर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं विलेज में, और तुम्हें मैं विलेज की अपडेट देता हूँ, यहाँ पे विलेज में कितनी ज्यादा केओस मच रखी है। तो यहाँ पर ना उससे पहले तुम्हें अपने हाउस की ना प्रोटेक्शन लेवल दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा गोलम है जो फर्स्ट लेयर है हमारी प्रोटेक्शन की, उसके बाद फेंसेज है, अगर समझो कोई फेंस टाप किया तोड़ के अंदर भी घुस जाता है, तो उसके बाद हमारी वाटर लिफ्ट है, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके पानी बंद कर देंगे, अगर यहाँ पर कोई फ्लाइंग वाला बंदा आता है तो हम उसके बाद और ऊपर चले जाएंगे और नीचे वाली स्टेयर्स को तोड़ के बंद कर देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग सिक्योर हो जाएंगे। पर अगर उसके बाद अगर हमारे घर में भी कोई घुस जाता है तो हम लोग छत से कूद के बाहर निकल के भाग जाएंगे। लास्ट ऑप्शन हमारा भागना ही हो सकता है, क्योंकि लड़ तो मैं सकता नहीं, क्योंकि मेरा आर्मर देखो, मेरी शकल देखो, एक सेकंड, तुम लोगों को शकल से याद आया, तो मैं ये स्किन कैसी लग रही है भाई, ये मैंने अभी बनाई है अपने लिए, और मैंने इसके वही कपड़े अपग्रेड कर दिए हैं जो ब्लैक लोअर था, और जो ब्लू हुडी थी वो मैंने अपग्रेड कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चेहरे पे पाउडर भी लगा दिया ताकि मैं गोरा हो गया हूँ, पिछली बार
थोड़ा स्टीव लग रहा था। मैं तुम्हें मैं अब दिखाता हूँ एक सेकंड को, मेरा हॉर्स ही है ना वहाँ पर, ठीक है मैं भागूंगा तो उसी से भागूंगा क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट है, ये मुझसे भी फास्ट है सच बताऊँ, स्टीव से बहुत ज्यादा फास्ट है ये। एंड चलो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ था। यहाँ पे ना ये गड्ढा हो रखा है और इस गड्ढे को किसी ने तो किया है क्योंकि ये नेचुरल गड्ढा नहीं था और उससे पहले नहीं था ये गड्ढा। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इतना बड़ा गड्ढा किसी ने किया है, वो बंदा कितना बड़ा होगा, वो बंदा यहाँ स्पॉन हुआ है और वो सीधे नीचे चला गया है और उसने ही शायद ये घर वर तोड़ा है। और ये देखो घर पे ना उसने भाई सारे विलेजर्स को मार दिया है, तुम लोग देख रहे हो। आहा सॉरी भाई, ये इतना एनॉइंग है ना भाई, तुम्हें मैं क्या बताऊँ भाई यहाँ से। और ये चीज़ ग्रो ही होती जा रही है, रुकी नहीं रही है। और तुम लोग देखो यहाँ पे ये विलेजर था, उसको क्लेरिक था शायद यहाँ पर, और इन्होंने क्लेरिक को मार के उसमें उगा दिया है उसको। ओके तो अभी ये बहुत हॉरिफिक हो रहा है। एंड ना तुम लोग इस वाले घर में देखो, यहाँ पे भी उन्होंने इस विलेजर को मार के भाई पता नहीं क्या इसमें घास वास उग रखी है। एंड ये तो भाई पहले था भी नहीं, ये तो था ही नहीं पहले, ये कहाँ से आ गया। और ये देखो यहाँ पे ये बंदा रहता था ना, ये जो हमारा कार्टोग्राफर था भाई, उसको ना भगा भगा के मारा है और यहाँ पे जाके मारा है भाई इस बंदे को लिटरली भाई। और देखो एक सेकंड, इतनी ज्यादा गंदगी कर रहे हैं ये लोग। एंड मैं कुछ लास्ट टाइम एक आध विलेजर दिखाता जो जिंदा था, बाकी सारे के सारे विलेजर उन्होंने ना मार दिए और उनके ऊपर अपना फंगल ग्रो कर दिया है भाई। ये देखो एक बार ये जगह भी एकदम खत्म हो रखी है। और देखो वो अपना विलेजर है वो बचा हुआ है, और एक सेकंड इसमें भी शायद एक विलेजर बचा हुआ है। ये लोग बचे तो हुए हैं पर मुझे नहीं पता कब तक बचे हुए हैं क्योंकि इनका आयरन गोलम तो मैंने चोरी कर लिया है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा सिक्योर थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है जिंदा रहने के लिए क्योंकि मैं बहुत पिट रहा था, इसलिए मैंने आयरन गोलम इनका थोड़ा सा रेंट पे ले लिया है। यहाँ पर मैं आयरन गोलम के बदले इनको रेंट देता हूँ ना, तो इसलिए ये लोग अलाउ कर देती है, मैं इनको खाना देता हूँ। ये ले बच्चे तेरा रेंट, ये ले तेरे इस महीने का रेंट भाई, ये ले थैंक यू गोलम देने के लिए थैंक यू। क्या मतलब इनको मैं घाटे में डाल रहा हूँ, पर ये ले भाई तेरा रेंट, तुम भी जल्दी मर जाओगे तो फिर मुझे किसी को रेंट देना नहीं पड़ेगा, बाय बाय। ओके तो यहाँ पे मजाक की बात बाद में, अब तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है आज के दिन। आज के दिन मुझे अपना पूरा का पूरा एक आर्मर बनाना है एंड उस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करना है क्योंकि वो फैक्ट्री बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीजों से भर रखी है। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था भाई वहाँ पे जो फैक्ट्री के स्टाफ थे वो बन गए थे एक जॉम्बी कह रहा हूँ, मतलब जॉम्बी से ही लग रहे थे मुझे, पर वो इन्फेक्टेड हो गए थे और वो कन्वर्ट हो गए थे। अगर हमारा आर्मर बन जाता है तो नहीं भी तो हम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, थर्ड फ्लोर का मुझे कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे और कितना खतरनाक हो सकती चीज है। पर यहाँ पर मुझे अपना आर्मर बनाना ही होगा। मैं यहाँ पे फूड खत्म होने वाला है तो मुझे यहाँ पे जितने भी पोटैटोज उगे थे ना उनको मैं ले चलता हूँ, इनको हम लोग कर लेंगे स्मेल्ट और यहाँ पे बनाते हैं बेक पोटैटो भाई, क्योंकि खाने पीने का तो अपने ये बचा है बस, और कुछ बचा ही नहीं है। आसपास के जितने भी फूड वाले मॉब थे ना, हम लोग देख रहे बहुत ही कम होंगे, होंगे भी तो ना होंगे और होंगे तो बहुत कम होंगे क्योंकि सारे के सारे ना उन म्यूटेड लोगों ने मार दिए, उनको मार के खा गए वो लोग, कहीं नहीं है दूर दूर तक, देख रहे हो वरना इतने प्लेन एरिया में और मॉब्स ना हो, मतलब सिंपल वाले जो क्रीचर्स ना हो, शीप वगैरह ना हो, भाई ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल नहीं होने वाली। चलो यहाँ पे चलते हैं ऊपर अपने घर की तरफ और यहाँ पे हम लोग फटाफट से बनाते हैं आर्मर। तो मैं दिखाता हूँ कौन सा आर्मर की मैं बात कर रहा हूँ, पर उससे पहले यहाँ पे मैं ओके यहाँ पे थोड़ा सा फूड और पड़ा हुआ है, हम लोग इसे यहाँ पे स्मेल कर देते हैं, थोड़ा सा आयरन रख लेते हैं। यहाँ पे ना एक आर्मर बनता है जो कि दो आर्मर को कंबाइन करके बनता है। तो पहला हमारा आर्मर है प्लेटेड आर्मर और दूसरा हमारा फ्लैशी आर्मर। तो हम लोग अपने फ्लैशी आर्मर और प्लेटेड आर्मर को कंबाइन करते हैं ना तो एक बहुत ही ज्यादा सुपर ओपी कूल नेदरराइट आर्मर से भी तगड़ा आर्मर बनता है। पर उसको बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि भाई उसके जो सामान वगैरह है वो नॉर्मली नहीं मिलते, वो मिलते हैं ऐसे खतरनाक लोगों को मारने के ही बाद, और ये खतरनाक लोगों के पास जाना मतलब मौत को दावत देना भाई। तो यहाँ पे तुम लोग देखो हमारा पहला पीस है फ्लैशी चेस्ट प्लेट है, बूट्स वगैरह हैं और लेगिंग्स वगैरह हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बूट्स से। तो यहाँ पर जितना भी मेरे को मॉब से सामान मिला था वो मैंने यहाँ पे रख लिया है, तो इनको हम लोग फटाफट से अपनी इन्वेंटरी में डालते हैं और हम देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें एक्चुअली क्राफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जितना भी फालतू सामान है मैं उनको वापस रख देता हूं। और आई थिंक मैं अपना घोड़ा लाना भूल गया हूं। तुम लोग मुझे बस 2 मिनट दो, अबे वो मर ना गया भाई, उसे कोई मार ना दे, मैं चलता हूं ऐसे निकलता हूं। ओके नहीं ये तो रहा भाई, कहां कहां इस बंदे ने डरा दिया मुझे। वो मेरे बाड़क ये जगह रहने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तू घर चल ले मेरे, चुपचाप चल ले घर, यहाँ पे से बांधता हूँ, गोलम रक्षा करेगा इसकी, होपफुली करे। गोलम अपनी रक्षा नहीं कर पाया पिछली बार, मेरी क्या करेगा, पर ठीक है भाई कुछ ना सही से कुछ तो सही। चलो चलते हैं वापस ऊपर और तुरंत यहाँ पे बंद करना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड लेट्स गो। हमारे फ्लैशी बूट बन रहे हैं एंड हमारी फ्लैशी लेगिंग्स बनना बंद हो चुकी है। ओके ये हमारे खत्म हो चुके हैं टेंडोंस, हम लोगों को ये भी बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं फ्लैशी बोन हमें ये बनानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मेरे पास नर्व्स वगैरह हैं, नर्व्स नहीं है मेरे पास, नर्व्स कैसे बनती हैं, नर्व्स बन सकती हैं, नर्व्स बनती हैं सेलिब्रम से, 8 सेलिब्रम की 8 नर्व बनती हैं, तो हम एक बना लेते हैं, हमारे पास एक सेलिब्रम अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप हम लोग अपना फ्लैशी हेलमेट बना सकते हैं। तो तुम लोग देख रहे हो कि भाई ये फ्लैशी हेलमेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका आर्मर सिर्फ 2 है, उससे अच्छा तो मेरे समझ रहे हो आयरन जैसा आर्मर है, समझो आयरन आर्मर जैसा है ये,
दो दो कार्बन दे रहा है। ये मैं बना रहा हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि देखो ये प्लेटेड चेस्ट प्लेट और ये हमारी फ्लैशी चेस्ट प्लेट, इन दोनों को कंबाइन करके हमारी बनेगी एक लिविंग चेस्ट प्लेट, समझ रहे हो। और इसका आर्मर टफनेस और नॉकबैक रेजिस्टेंस देखो नेदरराइट आर्मर से भी अच्छा है। फ्लैशी चेस्ट प्लेट लगाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। इनर्ट्स है हमारे पास, डेंस मसल है, लिविंग कोर, ओके ये कैसे बनता है लिविंग कोर, ओके हम लोग बना सकते हैं लिविंग कोर, एक लिविंग कोर हम लोग बना लेते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं अब बना सकते हैं क्या। फ्लैशी चेस्ट प्लेट हम लोग अभी भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास शायद ये चीज मिसिंग है। सैपलिंग तो है अपने पास, पर जो चीज रह गई है ये सैक रह गया है, एल्वोलिक सैक है कुछ तो, ओके भाई ये मुझे नहीं पता किससे मिलने वाला है, बस हमारे पास यही चीज मिसिंग है हमारी चेस्ट प्लेट के लिए। और अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा आर्मर जो कि है प्लेटेड आर्मर, उसके लिए हमें चाहिए आर्मर प्लेट्स। हाँ अपने को चाहिए आर्मर प्लेट्स स्पाइन सेगमेंट्स। एक आर्मर प्लेट में बना के देखता हूँ कि हम लोग कुछ बना पा रहे हैं, नहीं हेलमेट भी नहीं बना सकते हम लोग अभी। तीन आर्मर प्लेट चाहिए इसके लिए, बूट के लिए दो आर्मर प्लेट, लेगिंग्स के लिए चार आर्मर प्लेट, चेस्ट प्लेट के लिए तो चार आर्मर प्लेट। भाई आर्मर प्लेट ही बनानी है अपने को जितनी हो सके। दो बन चुकी है अपने पास आर्मर प्लेट और यहाँ पे सामान खत्म हो चुका है, पर यहाँ पे मैं बूट बना सकता हूँ, तो लेट्स गो। यहाँ पे हमारा बूट बन चुका है, इसका भी तुम लोग देख रहे हो आर्मर टू है और बस यही आयरन की जैसे है, पर अब तुम्हें दिखाता हूँ असली जादू। इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, ऐसे करके नहीं ऐसे करके, तो ये बनता है एक लिविंग बूट और इसका आर्मर है चार, देख रहे हो। यह है बहुत ओपी भाई, पर मैं अभी इसको इक्विप नहीं करने वाला भाई, ये टूट भी सकता है। फिलहाल के लिए जितना भी यहाँ पे सामान था मैं वापस रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी सी माइनिंग के लिए, माइनिंग क्या कह रहा हूँ फाइट करने के लिए, ताकि मैं बहुत सारी चीजें ला सकूँ, जैसे कि मुझे चाहिए होंगे सेलिब्रम्स एंड मुझे नर्फ बनानी पड़ेगी उससे, और मुझे ये चीज चाहिए होगी टेंडोन्स, और कुछ तो भी एक सैक था मुझे वो भी लाना पड़ेगा, और मुझे पता है वो कहाँ से मिलने वाला है, वो मिलने वाला है उस फैसिलिटी से। फटाफट से मॉर्निंग करते हैं और भाई उस फैसिलिटी के पास चलते हैं और देखते हैं भाई अपने को अच्छा मिल जाए। पर जहां तक मुझे याद है मुझे किसी ने मार्कर लगाया था वहां पे, नेक्स्ट टाइम मुझे आइडिया नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं जितना हो सके उतना कम सामान लेके जाता हूँ ताकि नुकसान मेरा कम हो। ओके तो मैं यहाँ पे फैसिलिटी के पास आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को आते ही मिला है मार्कर और माइसिलियन इन्फेक्शन, ये चीज इसे तोड़ने से भी कुछ मिलता है। हम चलते हैं नीचे की तरफ। ओ ये क्या है, ओ माई गॉड वॉट, यहाँ कोई से मेरे पीछे कोई फुसफुस कर रहा है, बे इन्हीं से आ रही है शायद, मुझे इनको मारना पड़ेगा बे। बायोमास बे क्या ही है, तो मारना पड़ेगा अपने को, सामान मिलेगा अपने को, उससे मिला है म्यूटेटेड फाइबर, ओके ओके ओके, मुझे सारी चीजें खानी पड़ेंगी। और भाई उन्होंने बहुत हाई डैमेज है, बहुत हाई डैमेज है, इनसे बस मुझे म्यूटेटेड फाइबर मिल रहा है और कुछ ज्यादा खास नहीं मिल रहा है। पर ये लोग पिछली बार के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और ये वाला पेड़ देखो यार, एक सेकंड ये देखो ह्यूमन वेस्ट पड़ा हुआ है, वो तोड़ते हैं। इसको तोड़ने से क्या हुआ था नेक्स्ट टाइम, शायद कुछ तो इसमें से निकलता है, ओके ये देखो इसमें से माइसिलियन इन्फेक्शन निकलता है, तो मुझे नहीं तोड़ना है नेक्स्ट टाइम। चलो उस फैसिलिटी के अंदर चलते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं कि हमारी किस्मत कैसी चल रही है। उससे पहले मैं जितनी भी टॉर्च हो सके लगा दूंगा, यहाँ पे भी लगाई दूंगा। पिछली बार हम लोग यहाँ पे आए थे और हमने सफाई की थी, उसके बाद भी देखो कितना सब कुछ उग चुका है दोबारा से। हाँ ये नहीं तोड़ रहा मैं, हमने काफी सारा सामान यहाँ से ले लिया था एंड मुझे इससे पहले, ओ नो 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 नो, नहीं 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 यार, वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये है स्टेयरवेज जहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। ओके ग्राउंड फ्लोर की हालत मुझे सही नहीं लग रही, मैं भी ग्राउंड फ्लोर जाना पसंद नहीं करूंगा। ह्यूमन वेस्ट, ओ नो ये भी इन्फेक्टेड करेगा मुझे, ओ शिट। ओके ओके हम लोग यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे तो कुछ भी करके आ चुके हैं, उसकी रोशनी है। माय गॉड, ओ माय गॉड, नो नो नो, फॉर श्योर नॉट गुड आइडिया, मैं जा रहा, ये बहुत खतरनाक जगह हो गई है। ओ नो बॉम्बर है, बॉम्बर है, बॉम्बर है, बॉम्बर है, ये रेडस्टोन का एरिया क्या कर रहा है भाई। ओ नो हजार शूट वाला ये मुझे मार सकता है, दूर दूर दूर। ओ भाई इसने मेरा आर्मर का चटकाया है, ओ नहीं नहीं नहीं, फसाओ फसाओ इसे, फसाओ मारना पड़ेगा। ओ शिट भाई ये तो आते ही जा रहे हैं, ये क्या आ रहा है, रुक क्यों नहीं रहे ये लोग। नहीं नहीं इसका डैमेज बहुत हाई है, बहुत हाई है, डैमेज बहुत हाई है। ओ शिट मुझे गड्ढा भरना पड़ेगा नहीं तो मैं इसमें गिर के मर जाऊंगा। नॉट परफेक्ट टाइमिंग, नहीं 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 भाई नहीं, फॉर अ वाइल आई जस्ट नीड टू बी सेफ। ओके अब सांस लेने का टाइम मिला भाई, क्या ही लोग हैं ये और कितने टाइप के हैं मुझे नहीं आइडिया भाई, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री के स्टाफ वगैरह हैं।
क्या डैमेज है ये? एक और आ रहा है। यहाँ कहाँ से रहे हैं? रुकते क्यों नहीं है ये? नो जल्दी करना पड़ेगा जो भी करना है। ओह शिट, गेट लगाओ। कवर 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 कवर। नो 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 नो, मैं डैमेज क्यों खा रहा हूँ? बहुत हाई डैमेज है। खाली पड़े हैं सारे चेस्ट भाई। ओह नो, सामने ज़ॉम्बी आ गया है। मैं यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुका हूँ। देख लिया उसने मुझे। आवाज़ कहाँ से आ रही है? पीक कौन है? कुछ ऐसे मुझे पीक कर रहा है। वो शॉट लेते हैं। लेट्स गो। नेक्स्ट रूम। नहीं, जो ही नहीं करना था, यही नहीं करना था। टाइमिंग गलत हो गई। प्लीज कुछ दे दो, प्लीज कुछ दे दो। लेट्स गो लेट्स गो। मेरा आर्मर ऑलमोस्ट गया है, बस चल ये पहनते हैं। सामने किसने डोर तोड़ा है? ओ शिट, आ रहा है यहाँ से। डोर तोड़ के आएगा ये। मैं फंस चुका हूँ। एक और आ रहा है, एक और आ रहा है। डॉक्टर पायलट मॉड, भाई क्या कर रहे हो? ये तो कई फैक्ट्री का कोई स्टाफ था भाई, सर्टिफाइड, जो अभी आया है। सामने से एक हस्क आ रहा है, म्यूटेटेड। ओ तू कौन है? तू कौन है भाई? तू भी कौन है? ओए हट जा ओए। तू कौन है भाई? ये बोझ ला रहा है, ये टीपी मारता है। नहीं भाई, ये बंदे क्या है? नो नो, आई एम डेड, आई एम डेड। गोल्डन पर खाना पड़ेगा भाई, मैं मरने वाला हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या बंदे हैं? पहली बार अपने को दो मिल चुके हैं। ओ नो, ये कहाँ से आ रहे हैं? माय गॉड भाई, खत्म हो जाओ ना। खाली पड़ा है ये भी। ओ नो, ये बंदा क्यों खाली पड़ा? ये भी कुछ नहीं है इसमें। इधर कुछ है? थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है इधर। इससे पहले बंद करता हूँ उसे मैं। गोल्डन एप्पल अपने को मिल चुके हैं, सही हो गया। इमरजेंसी रूम है क्या? यहाँ पे इतने सारे बेड क्यों लग रखे हैं? फेस वाले फ्लोर पे इतना कुछ खास नहीं मिला मेरे को, ना कोई अच्छी लूट मिली और ना मतलब कुछ भी नहीं मिला। एक सेकंड, यहाँ पे एक हस्ती मुझे दिख रहा है जो कि मुझ पर बाद में हमला करेगा। उससे पहले मैं इस पर अभी हमला कर देता हूँ। नाइस, हम लोग यहाँ से आए थे एंड हम लोग इधर गए थे एंड इधर नहीं गए अभी हम लोग। यहाँ चलते हैं। एक आर्मर रख लेते, अपने को मिल गया है। तो कोई खाना खा रहा है? आई डोंट नो कौन खाना खा रहा है। मेरे अलावा कोई खाना खा सकता है क्या? मुझे नहीं पता। ओके लेट्स गो। ट्रेजर अपने को मिल चुका है, इससे हम लोग अपना आर्मर जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। जितना भी सामान यहाँ पर रख ले रहा हूँ। और अपने को ये भी मिल चुका है, सेक। ये चाहिए था मुझे, ये चाहिए था। ये कौन है भाई? की माइंड। हाँ भाई, ये क्या बंदे हैं? डरा रहे थे। जंप सके यार्स, जंप सके यार्स। एंड्योर, एंड्योर क्या होता है? मेरे को इंडियोर लिख के आया है। आ जा, डरता नहीं तेरे से। डर सकता हूँ इससे क्योंकि मैंने बहुत अच्छा मारा। हेलमेट, क्योंकि लेदर का हेलमेट नहीं चाहिए। नो नो सरप्राइजेस। धमाके हो रहे हैं कहीं तो। ओह नो, मुझे लग रहा है ऐसे मुझे अब निकलना चाहिए यहाँ से। अपने को रास्ता भी खुला मिल चुका है, ऐसे फटाफट से निकलते हैं। हमने पूरा का पूरा फ्लोर एक्सप्लोर कर लिया है और मुझे पता नहीं कुछ तो इंडियोर लिख के आया है। शायद मुझे कोई वार्निंग आई है वो। ओके ओके ओके, अचानक से हर तरफ बारिश हो चुकी है मुझ पर एरोज की। वाओ क्या बात है, तो एम्बुश करके बैठे थे बाहर। बहुत बढ़िया, आ जा बेटे बाहर आ जा। बे घर के अंदर सब नेता बनते हैं, बाहर आ। पहले यहाँ से एक रैप्टे में उड़ गया। हाँ तू भी आ, इधर आ इधर आ। हाँ हाँ, नेता बनेगा, नेता बनेगा। हैं, बनाओ नेता, बनाओ नेता। बम तमीज। हाँ भैया, क्या भैया ट्रॉफी चाहिए? मेरे पास ट्रॉफी तो नहीं है। ट्रॉफी से काम चल जाएगा तुम्हारा? हद मतलब भयंकर, हद बताओ। अबे ये क्या है? ये क्या है बॉस? ये क्या है?
गिलगिली पिलपिली चीज है कुछ तो, मार के देखें ऐसे। एरो से मारता हूँ, पास नहीं जाता मैं। क्या है ये गिलगिली पिलपिली, ये क्या है? What was that?